मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा। जाने आ रहा है। अब देख खुदा क्या करता है। मरियम, मरियम मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। मरियम, मरियम तुम जीत गई। जाने आ रहा। काशिप आलम, मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, फौरन आ जाओ। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे यार, किसका एड्रेस है? हम आपके घर का पता चल। मैं आ रहा हूं। ये खुला नहीं अभी तक। जिम्मी आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी। जी सर, जैसे आपका ऑर्डर था वैसे ही कर दिया, ताला तोड़ दिया, अंदर उनके साथ ही जाएंगे सर। जी ठीक, ओके। आलम, आ जाओ। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी सर, इसी मोहल्ले में रहते। मर जाने, मर जाने। एक और भी ख्वाहिश है मेरी आलम, मेरी करो के ना। हर ख्वाहिश पूरी की है ना आपने मेरी भाई, हर ख्वाहिश। एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे प्लीज, गोली मार दे मुझे। चलो। आलम, मर जाने, मर जाने जिंदड़ी। आलम नहीं, खुद को संभाला। नहीं दवा चाहिए। देखिए मैडम, ये दवा मैं आपको नहीं दे सकता, यहाँ पे दवा सिर्फ फैक्ट्री मुलाजमीन के लिए होती है, आप यहाँ दवा कहीं बाहर से खरीद के ले आए। भाई आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे, मेरे पास पैसे नहीं है और इसकी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन मैडम मैं मजबूर हूँ, मैं आपको दवा नहीं दे सकता।
पर आप फहीम जी सर आप इन्हें दवा दें जी सर अच्छा मैडम लाइन पर्ची दें नहीं हमें दवा नहीं चाहिए मिस मरियम मैं जानता हूं कि आप मुझसे खफा हैं आप मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है कम से कम इस बच्ची के बारे में सोचें इसकी तबीयत खराब है इसी की खातिर अपनी जिद छोड़ दें कब लौटा इस्लामाबाद से कल रात ही और सब खैरियत है ना वहां क्या हुआ क्या सोच रहे हो यार मैं सोच रहा हूं कि कोई शख्स इतना जिद्दी कैसे हो सकता है कौन किसकी बात कर रहे मरियम मरियम को वो टीचर भाई अब क्या कर दिया उसने डिस्पेंसरी गया था विजिट के लिए वहां पर वो भी आई भी थी अपनी भतीजी के साथ उसे शायद बुखार वगैरह था डिस्पेंसर दवा नहीं दे रहा था अलबत्ता डॉक्टर ने चेकअप कर लिया था तो क्यों नहीं दे रहा था दवा भाई कंपनी पॉलिसी नहीं है अब वो कंपनी एम्प्लॉय नहीं है फिर भी मैंने डिस्पेंसर से कहा कि उसे दवा दे दे अरे भाई उसने इनकार कर दिया पहले डिस्पेंसर की मिन्नतें कर रही थी और जैसे ही मैंने कहा दवा देने का तो जिद में अपनी भतीजी को लेकर वहां से चली गई यार मुझे लगता है तुझे देख के उसका दिमाग सटक जाता मुझे भी यही लगता है यार लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है ये तो मुझे नहीं पता तो शक्ल से भी अच्छा खासा दिखता है। शुरू हो गई तेरी फजूल बातें यार यार उसकी ये सारी बातें सुनकर ना मुझे अपना किरदार गिरावा लगने लगा यार छोड़ ना तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है और तुझे पता है प्रिंसिपल साहिबा बता रही थी उसके माली हालात बहुत खराब चल रहे क्वार्टर खाली करने का नोटिस अलग पहुंच चुका है किसी और स्कूल में जॉब नहीं मिली अभी तक और तो और प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि आप वापस इस जॉब पर आ जाएं सेम पोजीशन पर तो क्या कहती है कि मुझे शान साहब का एहसान नहीं लेना अरे यार तू नहीं लेती तेरा एहसान तो ना ले यार मुझे लगता है कि इस सारे मामले में ना कहीं गलती मेरी भी है वो कैसे अब देख ना तो मैं उस औरत की बातों में आके मरियम को डांटता ना ही मुझे अपनी गलती का एहसास होता ना ही मैं उसे रात में कॉल करता और जलील होता ना ही उस पर रैम खाकर मैं उसे प्रमोशन देता और ना ही सब के बाद वो जॉब छोड़कर जाता तो मतलब ये है कि इस सब में मेरा ही कसूर हुआ ना अरे यार छोड़ सब कुछ मिट्टी डाल और भूल जाओ उसे वो जो भी सोचती है तेरे बारे में उसे सोचने दे पर हाँ अगर तुझे वाकई उसकी इतनी फिक्र हो रही है ना तो उसके पास जाओ और उसे ये एहसास दिलाओ कि जैसा वो तेरे बारे में सोचती है तू वैसा बिल्कुल नहीं काश ये सब इतना आसान होता तो ये भी कर लेता बैठ रशी चाचा कॉफी पिलाएं खुरम को कैसी है भाई अब वो हमना के लिए दवाई ले आई अभी हमना दवाई पिएगी देखना ठीक हो जाएगी आपको पता है ना मुझे इस दवाई का टेस्ट पसंद नहीं है
मैंने आपसे कहा भी था मेरे लिए ऑरेंज फ्लेवर वाली लाइएगा। अब पड़ोस से तो मुझे यही दवाई मिली है, तो आप स्टोर से ले आती ना पप्पो। स्टोर से लाने के लिए पैसे नहीं थे अभी मेरे पास, फिलहाल यही वाली दवाई पी लो, ये भी ठीक करेगी। लो हन्ना, आ करो, आ आ आ आ आ आ। बस 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 एक और। नहीं पप्पू। लास्ट, बस ये बहुत जरूरी है। आ आ। कितना गंदा टेस्ट है, जल्दी से पानी दे दे। ओ ये लो पानी पानी पानी, पानी। बस मेरा बेटा अभी ठीक हो जाएगा। हम बाबा से मिलने कब जाएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है। आप तो जानती हो कराची जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। और अभी आपके पप्पू के पास इतने पैसे नहीं है। पर आप फिक्र मत करो, इस सीट पर हम दोनों भाई जान से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती पप्पू, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। हम ना प्लीज पप्पू, मुझे ले चले ना बाबा से मिलवाना। बस बस ऐसे नहीं रोते, मैं वादा करती हूँ आपके बाबा से मिलाने के लिए मैं आपको जरूर लेके जाऊंगी। थैंक यू पप्पू, आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छी हैं मेरी जान। चलो अब आप आराम करो, पप्पू अभी सौदा लेने जाएंगे, मैं आपको मस्त से इसकी खिचड़ी खिलाएंगी। जाने वाला जी। बेटा क्या बात है, कई दिन से मैं देख रहा हूँ तुम परेशान नजर आ रहे हो। नहीं मैं ठीक हूँ। क्या दे रहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ से औलाद की परेशानी नहीं छुप सकती बेटा। उस दिन भी जब तुम आधी रात को उठकर घर से गए थे और सुबह लौटे थे तो तुमने मेरे पूछने पर बात टाल दी थी। आज मैं तुमसे पूछ कर रहूंगी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो। बेटा बताओ ना मुझे। अम्मी रंग को जिसने अगवा किया था ना, मुझे उसका पता चल गया है। किसने किसने अगवा किया मेरे बच्ची को? छोड़ सब कुछ, मट्टी डाल और भूल जाओ उसे। वो जो भी सोचती है तेरे बारे में उसे सोचने दे। और हाँ, अगर तुझे वाकई उसकी इतनी फिक्र हो रही है ना, तो उसके पास जाओ और उसे ये एहसास दिलाओ कि जैसा वो तेरे बारे में सोचती है तू वैसा बिल्कुल नहीं। आपकी तरफ पहले से 2000 रुपए बनते हैं। मैं पहले भी तो आपका कर्जा उतारती रही हूँ, जैसे पैसे आएंगे सबसे पहले आपका ही कर्जा उतारूंगी, थोड़ा सा सौदा दे दें। कहाँ से पैसे देंगी यार, स्कूल की नौकरी तो आप छोड़ चुकी हैं, ये क्वार्टर एक दो दिन में छोड़ के आपने चले जाना है, फिर कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं आपको। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जहाँ पर भी जाऊंगी आपके पैसे पहले देकर जाऊंगी। उम्मीद तो नहीं है, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन ये मैं आखिरी बार आपको सौदा दे रहा हूँ, आइंदा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी आपने। हाँ सौदा तो लेना ही पड़ेगा यार, क्या करें, ये लें संभालें।
भाई ये तो बहुत थोड़ा है, इसमें कैसे गुजारा होगा? आपका क्या मतलब है? पूरे साल का राशन डाल दूं और खुद सड़क पे आ जाऊं? बीबी जो मिला है उसको गनीमत समझो, मेरी जान छोड़ो। शुक्रिया। पहले से हालात खराब है, ऊपर से उधार वालों की लाइनें लगी। हेलो, मैं शाने आलम बात कर रहा हूँ, प्लीज फोन मत काटिएगा। एक बार मेरी बात सुन ले। जी बोले। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? देखिए मरियम, अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाएं तो हम आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। क्यों, मैं आपसे ऑफिस क्यों मिलने आऊँ? आपने जो कहना है आप अभी बोले। इतनी जिद्दी मत बनिए प्लीज। अगर आप मेरे ऑफिस आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कल आप मेरे ऑफिस आ जाएं, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। जी देखती हूँ। थैंक यू, कल मैं आपका वेट करूंगा। अल्लाह हाफिज। इतनी बड़ी सजा मिली मेरे बच्ची को, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी तकलीफें दी गई? उस मनहूस को पैसे चाहिए तो मांग लेता, मेरी बच्ची की जिंदगी तो बर्बाद ना करता, मैं सारी दुनिया उस पर निछावर कर देती। आलम, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिस शख्स ने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की तुम उसे ढूंढोगे, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओगे। मैं चाहती हूँ उसे भी इतनी तकलीफ हो जितनी मेरे बच्चे ने सही है। मेरे साथ होने वाली एक एक ज्यादती का बदला तुझसे मेरा खुदा लेगा। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रहे हो ना? वैसे कितनी अजीब बात है ना अम्मी, आप एक गुनाहगार से कह रही हैं कि वो दूसरे गुनाहगार को सजा दे। हम दोनों का गुनाह बराबर है, बस सिर्फ नाम का ही तो फर्क है। अगर देखा जाए तो हम दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। फिर सजा सिर्फ हमाद को क्यों मिलनी चाहिए, मुझे क्यों ना मिले? शायद इसलिए कि मैंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं था जो मरियम की तरफ से मुझे सजा देता। मैंने तो उसे बिल्कुल ही अकेला कर दिया था। एक मलिक था जिसने इंसानियत के नाते उसके सर पर हाथ रखा था, लेकिन मैंने उसके सर से वो साहिबान भी छीन लिया। उल्टा मलिक को जेल भिजवा दिया क्योंकि वो मरियम का हिमायती था। अभी मैंने एक फैसला किया है, अब जो सजा मैं हमाद को दूंगा वही सजा मैं अपने आप को भी दूंगा। क्या कह रहा हूं बेटा? आप इरम की अम्मी है ना, इसलिए आपको सिर्फ हमाद गुनहगार लग रहा है, हालांकि मैं भी उतना ही बड़ा गुनहगार हूं। इसलिए
अब हम दोनों की एक ही सजा होगी। देखिए मरियम, अगर आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाएं तो हम आमने सामने बैठ कर बात कर लेते हैं। प्लीज इतनी जिद्दी मत बनिए। अगर आप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बुखार कम हो गया, मुझे भूख लगी है। खिचड़ी बना दी पप्पू ने, अभी लेके आती हूँ। जल्दी आइएगा पप्पू। कहाँ चली गई हो तुम? देखो कितनी तकलीफ में हूं मैं। तुम्हारी आह भी लग गई है, आराम सुकून सब बर्बाद हो गया है मेरा। रात में सो भी नहीं पाता, जहां भी जाता हूं सिर्फ तुम्हारी तलाश रहती है मुझे। प्लीज अब तो लौट आओ, कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। प्लीज वापस आ जाओ और आकर अपने हाथों से मुझे मेरे गुनाहों की सजा दो, ताकि अपनी बहन के मुजरिम को सजा देते हुए मेरे हाथ ना काटे। चाय पियेंगी या कॉफी? थैंक यू, कुछ नहीं। मैं जानता हूं कि आपकी नजर में मेरा किरदार ठीक नहीं है। अगर साफ अल्फाज में कहूं तो एक बहुत बुरा इंसान हूं मैं आपकी नजर में, लेकिन यकीन जानिए ऐसा है नहीं जैसा आप सोचती हैं। आप सफाइयां क्यों दे रहे हैं मुझे? सफाई नहीं पेश कर रहा। उस दिन स्कूल में हमारे दरमियान जो बदमजगी हुई और उसके बाद जो आपका रवैया था, मुझे अपना ही किरदार मशकूक लगने लगा। अगर ऐसा है तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। आप मुझे बस ये बताएं कि अब आप मुझसे क्या चाहते हैं। प्रिंसिपल साहिबा मुझे बता चुकी हैं कि आजकल आप किन हालात से गुजर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें। आप एक बार फिर एहसान करें मुझ पर। एहसान नहीं कर रहा हूं, अपनी गलती सुधार रहा हूं। और आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेरा आप में कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से परेशान हों। मैं आपकी परेशानी का बाइस नहीं बनना चाहता। सब दिखावा है मरियम, धोखा मत खाना। ये कोई नई साजिश लगती है, अगर अभी फंस गई तो आगे भी फंसती चली जाओगी। हो सकता है ये आदमी ऐसा ही हो जैसा दिख रहा है। अपने हालात को देखो मरियम, अगर किस्मत तुम पर मेहरबानी कर रही है तो मुंह मत फेरो। जॉब वापस मिल रही है तो ले लो, वरना जॉब के साथ छत भी नहीं रहेगी, और इस छत के अलावा फिलहाल कोई आसरा भी नहीं। कहां जाओगी हमना को लेकर?
क्या फैसला किया आपने? मैं जॉब करना चाहती हूँ। गुड। लेकिन मेरी कुछ शरारत है, अगर आपको वो मंजूर होंगी तो मैं स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। कैसी शर्त? आप ना तो कभी मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे और ना ही कभी मुझे फोन करेंगे, और अगर जॉब से रिलेटेड आपको मुझसे कोई भी बात करनी होगी आप प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस में मिलेंगे, हम अकेले कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये सारी बातें मंजूर हैं तो बता दें। ठीक है, कोई एतराज नहीं मुझे। सही, मैं फिर कल से स्कूल ज्वाइन कर लूंगी। थैंक यू। अर्थ साबित हो गया, उसका दिमाग वाकई खराब है। तुम आज भी दफ्तर नहीं गए? मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैं बेटा अपनी यादों के हिसाब से बाहर निकलोगे तब किसी चीज में दिल लगेगा ना। क्यों खुद को भी तकलीफ देते हो और मुझे भी उसको याद कर करके? बेटा इतना अरसा हो गया उसे तुम्हारी जिंदगी से गए हुए, पता नहीं कहाँ होगी, भूल जाओ उसे। ये इतना आसान नहीं है मम्मी, बस आप दुआ किया करें कि वो मुझे कहीं मिल जाए और मुझसे माफी मांग लो। बेटा मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए, वो लड़की तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। तुम मलिक से क्यों नहीं पूछते उसके बारे में? मैं कोशिश करके देख चुका, मलिक को मुझ पर भरोसा नहीं है, उसने मना कर दिया था। बस तुम्हें अपनी सच्चाई का, अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाना होगा उन्हें। तुम किसी तरह से उन्हें जेल से छुड़ा नहीं सकते? अगर तुम ऐसा करो तो शायद उन्हें यकीन आ जाए तुम्हारी बात का। उसे छोड़ो, ये बताओ कि इरम के सर्जन से बात हुई तुम्हारी? जी मेरी बात हुई थी, काफी डिटेल में बात हुई थी। क्या कह रहा था? उन्होंने परसों बुलाया सर्जरी के लिए। बड़ी परेशानी हो रही मुझे, खतरे की बात तो नहीं है बेटा? खतरे की कोई बात नहीं है अम्मी, मेरी डॉक्टर के साथ काफी डिटेल में डिस्कशन हुई थी, मैंने खुद इंटरनेट पे सर्च भी किया है, बड़ी आम सी सर्जरी है। इंशाल्लाह आप देखिएगा सर्जरी के बाद हमारी इरम पहले की तरह लगने लगी। ये जो इसका चोट का मार्क रह गया ना माथे पर, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चले आप खाना खाइए, बताइए क्या दूं मैं आपको? तुम लोगे? नहीं शुक्रिया। इरम ने खाना खा लिया? हाँ उसने अपने कमरे में मंगवा लिया था। आलम जी, शानी को फोन कर देना कि इरम की सर्जरी वाले दिन आ जाए। जी मैं कॉल कर दूंगा कल से। चल यार ये तो अच्छा होगा तूने उसे ऑफिस में बुलाकर उससे बात कर ली। वैसे मान गई है वो जॉब के लिए? मान तो गई है लेकिन बड़ी मुश्किल से। शुक्र है। लेकिन भाई बड़ी अजीब लड़की, बहुत अजीब। अब क्या कर दिया उसने ऐसा? ये जानते हुए कि मैं स्कूल का मालिक हूँ, मुझ पर उसने कुछ शर्तें रखी। कैसी शर्त है? वो ये कि मैं उसे कभी फोन कॉल नहीं करूंगा, इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, और अगर जॉब के मुतालिक मुझे कभी उससे कोई बात करनी हुई तो प्रिंसिपल के ऑफिस में बात होगी सबके सामने, हम अकेले कभी नहीं मिलेंगे। यार ये तूने उसे टीचर की जॉब दी है या फिर एमडी की पोस्ट पे हायर कर रहा है? इतने नगरा तो एमडी के भी नहीं होते यार। हाँ यार
कम से कम मुझे तो सुकून मिल गया ना। अब मुझे ये नहीं होगा कि मेरी वजह से वो किसी तकलीफ में। यार बस एक बात तो बता, तुझे वाकई उसे हमदर्दी है या फिर? क्या मतलब? क्या ही तो उसे पसंद करने तो नहीं लगा? तू पागल हो गया? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, कोई भी उसे पसंद कर सकता। और अगर तेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे बता, मैं ट्राई कर लेता। बेटा सोचना भी मत, बल्कि एक काम करना, तू ट्राई कर ले, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक फोन कॉल की थी और उसने मुझसे क्या कुछ नहीं कहा। सोच तेरे साथ वो क्या करेगी, तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नहीं भाई नहीं, मेरे तो अच्छे अच्छों की दोबा आपके ही काम है। यार वैसे शक्ल से कितनी मासूम लगती है। शक्ल से तो तू भी बहुत शरीफ लगता है। हाँ हाँ कर ले बात। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया वापस अपनी जॉब पर आकर। सच पूछो मरियम, मेरी नजर में इससे अच्छी जॉब तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकती थी। अब तुम देखो कितनी परेशान थी तुम, जॉब की अलग परेशानी, घर की अलग परेशानी। अब अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। ठीक कह रही हैं मरियम, एक बात कहूं अगर तुम बुरा ना मानोगी। नहीं मैडम, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी? आप कहें। तुम्हें शान सर को जज करने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया। वो बहुत भले आदमी है, मैं उन्हें बहुत अरसे से जानती हूँ। उन्हें जानते हुए मुझे तो अभी कुछ दिन ही हुए हैं, और लाजमी सी बात है कि मेरी और आपकी सोच उनके बारे में मुख्तलिफ ही होगी। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें कहती थी कि शान सर बहुत शरीफ इंसान है, तो तुम्हें उसी वक्त मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए था ना? मैडम सुनी सुनाई बातों पर मैं यकीन नहीं करती, जब मेरा दिल गवाही देता है तो मैं खुद यकीन कर लेती हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे तुम्हारा दिल गवाही दे दे कि शान सर वैसे ही हो जैसे मैं समझती हूँ या सब समझती। उम्मीद है ऐसा ही हो। इतनी देर क्यों हो रही है? आप फिक्र ना करें मैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा है, अभी थोड़ी देर में इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग इनसे मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मिला मुझे परेशान हो रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र, अब सब ठीक हो जाएगा। खिल उठा है ना मेरी बच्ची का चेहरा? बिल्कुल ठीक कहते थे जाने आलम, मरियम सर्जरी के बाद बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। तो प्यारी लग रही है ना? मेरी बहन तो है ही बहुत प्यारी। बस अल्लाह इसे नजरे बस से बचाए। पार्टनर देखोगे अपना चेहरा? ये देखो, ये
स्माइल। अरे हाथ तो हटाओ, स्माइल करो। मार्केट से लगा दाग तो मिट गया। तार पे लगे दाग कैसे मिटाऊं? ये रंग इसी बात मत करो बेटा। बेटा हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, भूल जाओ सब। नहीं मेरी माँ है इसलिए ऐसे कह रही है। पार्टनर तुमने वादा किया था ना कि तुम इस तरह की कोई बात नहीं करोगी जिससे हमें या तुम्हें तकलीफ, फिर क्यों इस तरह की बातें कर रही है? अगर अब तुमने इस तरह किया ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुम्हें हमारा ख्याल भी नहीं और हम तुमसे नाराज भी ना हो। अब तो सॉरी, आइंदा ऐसे कुछ नहीं। पक्का मुकरोगी तो नहीं अपनी बात से? नहीं। गुड। अच्छा देखो आकाशी बोलो। पिंडी में छुपा बैठा था, वहां से ढूंढ कर लाया। बहुत ही ढीठ है यार। क्यों, क्या हुआ? कहता मैं किसी इरम को नहीं जानता और ना ही मैं कभी इस्लामाबाद में रहता था। फिर क्या, ठीक ठाक धोया तब जाके मारा। सुन तुझे यकीन है कि वही लड़का है? मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे टॉर्चर से बचने के लिए उसने हामी भर ली? अरे नहीं यार, मैंने उसके पड़ोसी को भी बुलाया था, उसी ने उसकी शिनाख्त की। अभी कहाँ है वो? अंदर। मैं मिल सकता हूँ उससे? हाँ चल। बहुत गुस्सा आ रहा है ना अपनी बहन के मुजरिम को देखकर, उसे उसके जुर्म की सजा देने का जी जा रहा है ना, पर शायद भूल रहे हो कि तुमने क्या कहा था। यही कहा था ना, उसे वही सजा मिलेगी जो तुम खुद के लिए मुंतखब करोगे, मगर मैं जानती हूं कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अपनी बात से मुकरना तो वैसे भी तुम्हारी फितरत में शामिल है जाने आलम। नहीं, पर मैं ऐसा नहीं हुआ। किससे बात कर रहा है? वो वहां मरियम खड़ी है ना। वहां कोई नहीं है।